आप सभी को मेरा नमस्कार और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मेरा नाम ज्योति है और अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं चार लाइन से शुरुआत करूंगी जो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखी थी। जब पितृ विसर्जन था उस टाइम अचानक से मेरे मन में ख्याल आया तो ये चार लाइनें अपने आप उभर आई कि इंसान भी कमाल का ज्ञान देता है, कि इंसान भी कमाल का ज्ञान देता है, कहू को साल में एक बार पकवान देता है, जीते जी पूछता नहीं बुजुर्गों को, जीते जी पूछता नहीं बुजुर्गों को और मरने के बाद पितृदान देता है। कि शुरू करती हूँ मैं अपनी कविता ये कि सुनो हाँ तुम ही से कह रही हूँ, तुम जो यूं भीड़ में मुझे सुनने आते हो, तुम जो यूं भीड़ में मुझे सुनने आते हो और मेरी हर नज़्म पर मुस्कुराते हो, तुम पहल करो तो एक शुरुआत भी हो सकती है। हाँ मैं तुम ही से कह रही हूँ, तुम पहल करो तो एक शुरुआत भी हो सकती है, तुम कहो तो किसी शाम चाय पे मुलाकात भी हो सकती है। सुनो मुझे कॉफी नहीं पसंद पर चाय पी लेती हूँ, मुझे कॉफी नहीं पसंद पर चाय पी लेती हूँ और हर छोटी छोटी खुशी में मैं जिंदगी को जी लेती हूँ। सुनो हाँ तुम ही से कह रही हूँ कि तुम पढ़ना कोई इंजीनियरिंग की किताब, जरा गौर फरमाइएगा सब लोग, कि तुम पढ़ना कोई इंजीनियरिंग की किताब, मैं उसे शायरी समझ लूंगी, कि तुम पढ़ना कोई इंजीनियरिंग की किताब, मैं उसे शायरी समझ लूंगी और जो फिर मिले तुम्हें कभी फुर्सत, और जो फिर मिले तुम्हें कभी फुर्सत तो लिख देना एक पन्ना मुझ पर भी, मैं उसे पूरी डायरी समझ लूंगी। और एक कविता सुनाती हूँ कि जरा गौर फरमाइएगा, हर पैराग्राफ का किसी न किसी से वास्ता जरूर हुआ होगा जिंदगी में, कि चलो फिर से वही किस्सा दोहराते हैं, कि चलो फिर से वही किस्सा दोहराते हैं, चांदनी रात में तुमसे मिलने आते हैं, कि फिर से वो वीरानी जिंदगी जीते हैं, चलो फिर से वो पुरानी जिंदगी जीते हैं, चलो पुराने अड्डे पे फिर से चाय पीते हैं, फिर से मिलने हम तुम्हें तुम्हारे शहर आते हैं, फिर से मिलने हम तुम्हें तुम्हारे शहर आते हैं, चलो वो आधी रात को फिर से आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारी दी हुई हर चॉकलेट का हिसाब लगाते हैं, चलो आज तुम्हारी दी हुई हर चॉकलेट का हिसाब लगाते हैं, साथ में हम भी तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाते हैं, चलो एक रोज वही किस्सा दोहराते हैं, फिर से वही गीत गुनगुनाते हैं, हम तुम्हें मिलने तुम्हारे शहर चलो फिर आते हैं, चलो उसी पुराने सफर पे निकल जाते हैं, कि चलो उसी पुराने सफर पे निकल जाते हैं, एक बार फिर से हम तेरे घर के रस्ते से गुजर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, काफी लोग गए होंगे वॉक पे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर से दूर तक टहलने जाते हैं और रास्ते में कुछ पुराने किस्से सुनाते हैं, चलो फिर से तुम्हारी क्लास के इर्द गिर्द मटराते हैं, चलो फिर से तुम्हारी क्लास के इर्द गिर्द मटराते हैं, कैंटीन में पुराना समय बिताते हैं, चलो फिर से अमीनाबाद जाते हैं, चलो फिर से अमीनाबाद जाते हैं और एक दूसरे के लिए इस बार कुछ नया लेकर आते हैं, चलो फिर से कॉलेज की जिंदगी जीते हैं, एक ही बोतल में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर से तुम्हारी शर्ट का टूटा हुआ बटन टाँगते हैं, चलो एक बार फिर अतीत में झांकते हैं। और आखिरी में मैं एक नज़्म, एक गज़ल पढ़ना चाहूंगी जो मेरी बहुत ही फेवरेट गज़ल है, कि ये मोहब्बत है जनाब, इसमें नफा नुकसान नहीं देखते, गौर फरमाइएगा सभी लोग, कि ये मोहब्बत है जनाब, इसमें नफा नुकसान नहीं देखते, ईद दिवाली रमजान नहीं देखते, बाइबिल गीता कुरान नहीं देखते, अगर हो जाए किसी से मोहब्बत तो उनका बड़ा घर और अपनी छोटी दुकान नहीं देखते। और अंत में खत्म करते करते मैं अपनी एक फेवरेट शायरी कहूंगी कि चले थे मोहब्बत के सफर में, कि चले थे मोहब्बत के सफर में मुसाफिर हो गए, कि चले थे मोहब्बत के सफर में मुसाफिर हो गए, जिन्हें मिली मोहब्बत वो भी काफिर हो गए, और हम मोहब्बत से रिटायर हो गए हैं, और हम मोहब्बत से परमानेंट रिटायर हो गए हैं, इसीलिए आज हम शायर हो गए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।